हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में हिंदी साहित्य में। तो दोस्तों, जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, जो आज की वीडियो मेरी है ये एमए ज्योग्राफी पे है, एंट्रेंस पे, जो लास्ट ईयर एनटीए ने कंडक्ट करवाया था 29 मई को 2019 में। तो दोस्तों, ये जेएनयू का क्वेश्चन पेपर है, जेएनयू में आया था, सेट फर्स्ट है और सेकंड शिफ्ट का 29 मई को, और ये ज्योग्राफी का है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये जो जेएनयू का क्वेश्चन पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक एक करके देखते रहें इसमें क्या क्या क्वेश्चन हैं। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूँ कि मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सकता। बस मेरे पे कैसे भी करके ये पेपर मैंने डाउनलोड करा, देखा वीडियोस पर और सारी साइट पर कि मुझे ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए, तो मैंने ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर देखा और मैं आपके लिए वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई भी रिलेटिव कोई भी कॉलेज में या तो कहीं पे भी जो जेएनयू का एमए हिंदी से करना चाहता है, जेएनयू एमए हिंदी से करना चाहता है, तो उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें ये 100 क्वेश्चन हैं, तो आप जोन सभी क्वेश्चन आपको देखना है वहाँ पर वीडियो रोकिए और क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए और वीडियो में कमेंट भी करिए दोस्तों कि आपके कितने सही हैं इसके अंदर। तभी तो मेरी वीडियो बनाने का एक अच्छा मोटिव मिलेगा कि हाँ, कि इस पे कितने देखा है सब, मतलब स्टूडेंट ने। तो आप सारी वीडियो मेरी देखें, ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, देखने हैं कि आपके कितने सही हैं कितने नहीं। तो आप फ्रेंड्स देखते रहें क्या क्या क्वेश्चन हैं इसमें। और अभी मैं दो मैंने वीडियो डाली हैं इसकी, जेएनयू से रिलेटेड, एक हिंदी साहित्य से और ये ज्योग्राफी से। और इसके बाद मैं हिस्ट्री से लाने वाला हूँ, और उसके बाद मैं पॉलिटिकल से लाऊंगा, आईआर से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। तो आप उसको भी देखिए, मैं जल्दी से उसे भी अपलोड करूँगा एक दो दिन में, जैसे भी मुझ पर अरेंज होता है क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे एडमिशन है, कैसे क्या हॉस्टल फैसिलिटी है, क्या हमको वहाँ बोनस मार्क्स मिलते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगा। और हाँ, मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ, इस पेपर की मैं पीडीएफ भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड भी कर लेना, वीडियो देख लीजिए आप। और मैं इसका पेपर का पीडीएफ भी डाल दूंगा, वहाँ भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सारे क्वेश्चन पेपर हैं इसमें, सारे देख लीजिए। और फ्रेंड्स, ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने इसमें से क्वेश्चन ठीक हैं। और ज़्यादा ज़्यादा मैं बताऊँ, अगर आप जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं तो आपके इसमें 100 में से कम से कम नहीं तो 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तो तभी आपका आसरा लग सकता है कि आपका जेएनयू में एडमिशन होगा। क्योंकि आपको बताओगे जेएनयू में बहुत कम सीटें हैं और ज़्यादातर उन वहाँ पर स्टूडेंट को लिया जाता है जो काफ़ी, मतलब वैसे एरिया से आते हैं, जैसे गाँव से हो गए, ज़्यादा मतलब पिछड़े इलाके से आते हैं, तो वहाँ उनको अच्छा बोनस भी मिल जाता है, बोनस मार्क्स भी होते हैं। और हाँ, मैं भी एक बार और बता दूँ मैं आपको, अगर ये कोई जैसे लड़की होती है, कोई गर्ल्स होती है, तो उसके बोनस मार्क्स अधिक होते हैं। हालांकि लड़कों के भी होते हैं जो आते हैं, पर जो लड़कियाँ होती हैं उनके अधिक बोनस मार्क्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। और आपका कोई भी क्वेरी हो जेएनयू से रिलेटेड, एमए हिंदी, एमए ज्योग्राफी, तो मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट ज़रूर करिए,
बस मैं यहीं पे अपनी वीडियो ख़त्म करके आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स बाय, थैंक यू।